मिथिला वासियों की कितनी उदात्त भावना है इसकी कोई विवेचना नहीं कर सकता। ईश्वर के रूप में दूल्हा सरकार मिले हैं महाराज, ये साक्षात भगवान है। जो कोई जो मांगे उसको मिल जाएगा, लेकिन मिथिलावासी तो भगवान से भी एक अद्भुत चीज मांगते हैं। श्री जानकी जी की सखियां कहती हैं, मुझे पता है दूल्हा सरकार कि आप ईश्वर हो, लेकिन आप आपसे हम भी कुछ मांगना चाहती हैं। राम जी ने कहा मांगो। तो मिथिला के लोग एक पद गाते हैं, हमरा न चाही पाहुन जोग जप ध्यान है, हमरा न चाही पाहुन धनुष अरु बाण है। तो क्या चाहिए? कहा हमरा तो चाही पाहुन मंद मुशुकान है, आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, यही वरदान आप हमें दे दो। यह वरदान हमें दे दो कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो। इतनी उदात्त भावना है मिथिला की। और आज जब श्री सियाजू की विदाई की बेला आई तो सारी सखियां रोने लगी। जैसे भागवत में गोपियां कहती अहो विधात स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिना। अरे विधाता, तेरे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है? पहले दो अच्छे लोगों को किस्मत में मिलना लिखता है, फिर उनकी किस्मत में विरह लिख देता है। हम अपनी जानकी के बिना कैसे रहेंगी? सखियां रोती हैं। जो परम विरागी कहे जाते थे, रहे कहावत परम विरागी, लेकिन मिटी महामर्याद ज्ञान की। बेटी के विदाई के समय तो इस ज्ञानी विरागी विदेह राज महाराज जनक का भी धीरज छूट गया। महाराज कही जान की रोवन लागे। अपनी बिटिया के विदाई के समय इस ज्ञानी महाराज जनक की आंखें भी छलक आई हैं। कवि कुलगुरु कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके चतुर्थ अंक का चतुर्थ श्लोक बड़ा ही सुंदर माना जाता है। कवि कुलगुरु कालिदास ने लिखा है, महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई पर रोते हुए कहते हैं, शकुंतला मेरी बेटी नहीं है, मेरे आश्रम में केवल पली बढ़ी है, और आज इस बिटिया को विदा करते समय मुझ विरक्त महात्मा का हृदय फट रहा है। तो धन्य है वह गृहस्थ जिनके घर में कोई बेटी जन्म लेती होगी, पाली पोसी जाती होगी, और एक दिन जब वह अपने पीहर को छोड़कर, मायके को छोड़कर और माता पिता को छोड़कर जाने लगती होगी, तो उसके पिता कैसे रह पाते होंगे। यास्यतेति शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया। महर्षि कर्ण रोते हैं महाराज। महाराज श्री जनक रोने लगे, मां सुनैना तो फफक फफक कर रो रही है। कारण क्या है? घर में बिटिया तो सबसे अधिक मां के साथ ही रहती है महाराज, सबसे अकेलापन तो मां के जीवन में ही आता है। मिथिलानियां एक गीत गाती हैं कन्यादान की बेला में, जंघिया चढ़ाई बाबा बैसल मंडपतर, बाबा करुण धिया दान है, सुसु की रोए माई है सुनैना, कि आज बेटी भेलमोर बेगान है। मां सुनैना रो रही है, आज मेरी बेटी पराई हो गई। अपनी बेटी एक दिन पराई हो जाती है, अद्भुत है यह सृष्टि की व्यवस्था। जौने बेटी लागी हम नटुआ नचौली, से ही बेटी भेल मोर बेगान है। वहां गाते हैं कि जिस बेटी के लिए माँ बाप बचपन में क्या नहीं बनते, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी खिलौना लाकर देते हैं, कितने लाड़ प्यार से पालते पोसते हैं, एक दिन वही बेटी पराई हो जाती है। सखियां चुप कराते हुए कहती हैं, चुपे रहूं माई है सुनैना, कि यह थिक जग व्यवहार है, मैया मत रो जगत का यही व्यवहार है, बिटिया कितनी भी लाडली हो लेकिन एक दिन दूसरे के घर के लिए तो विदा करना ही पड़ता है। श्री जानकी जी को विदा करते समय मां सुनैना ने कुछ उपदेश भी दिया है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बेटी को क्या दे करके विदा करें? आजकल लोग कई प्रकार का सेट देते हैं, सोफा सेट, बर्तन सेट, टीवी सेट, और बिटिया का जीवन अपसेट रहता है। सेट देना महत्वपूर्ण नहीं है,
जो बहुत बड़े लोग हैं वह कई प्रकार की गाड़ियां देते हैं, कई प्रकार की लग्जरी कार देते हैं। महाराज हमारे शास्त्र कहते हैं कार देना महत्वपूर्ण नहीं है, विदा करते समय बेटी को कार की जगह संस्कार देकर के विदा करिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।